continue the topic separation of mixtures. These separation by distillation distillation is the method which is used to separate two miscible liquids. Miscible liquids means which is dissolve in each other. Miscible का मतलब होता है घुलनशील. वे liquids जो आपस में घुल जाएं, उन्हें हम कहते हैं miscible liquids. तो miscible liquids को separate करने के लिए distillation या simple distillation method का use किया जाता है. This method is used to separate two miscible liquids having different boiling point. इस मेथड को हम यूज करते हैं मिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए. मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए. अगर एक का 25 है तो दूसरे का उससे ज्यादा होना चाहिए और 25 ज्यादा होना चाहिए उससे. मीन्स अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन है तो दूसरे का कितना होना चाहिए, 50 केल्विन होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए जैसे मिसिबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें, जैसे वाटर और एसीटोन, तो जब वाटर और एसीटोन दोनों आपस में घुल जाते हैं तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन को, एसीटोन और वाटर दोनों के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं. और इसी पर सॉल्यूशन है इसका, वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन है इसमें भरा हुआ है. इसको हम क्या करेंगे, नीचे से इसको हीट करेंगे और हीट करने पे क्या होगा, इसके ऊपर हम फ्लास्क लगा देंगे तो ये इवोपरेट होके गैस में बदलेगा. और इसके ऊपर एक हम इस तरीके से पाइप लगाएंगे और जिसमें इसके ऊपर एक और पाइप होगी इस तरह से, ऐसी पाइप होगी. और इसमें क्या होगा, वाटर के लिए इनलेट होगा और वाटर के लिए क्या होगा, आउटलेट होगा. इस तरह से यहां से कोल्ड वाटर जाएगा और यहां से हॉट वाटर रिमूव हो जाएगा. कैसे, जब कोल्ड वाटर जाएगा तो जो इसमें वाटर और एसीटोन है, जहां पर वाटर और एसीटोन है इन दोनों में दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का डिफरेंस है. अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एसीटोन है, एसीटोन पहले ही इवोपरेट हो गया, एसीटोन अगर पहले ही इवोपरेट हो गया तो वाटर अभी लिक्विड फॉर्म में रहेगा. अब जैसे ही एसीटोन यहाँ पे इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी मटेरियल अपनी स्टेट को चेंज करता है तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तब उसमें नीचे से जो एनर्जी देते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता. क्यों, क्योंकि उस एनर्जी का यूज हो जाता है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए. तो तब तक तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा नहीं जब तक एसीटोन इसमें से इवॉल्व होता रहेगा, यहां से इवोपरेट होता रहेगा तब तक इसमें इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो, समझ लीजिए इसमें से एसीटोन इवोपरेट हो चुका है और वाटर इवोपरेट होने लगा है. तो यहां से हीट को हटा दीजिए तो वाटर यहाँ पे बच जाएगा और एसीटोन यहाँ से भाप बन के जो बना था, जब यहाँ पे कोल्ड वाटर जाएगा तो जो इवोपरेट है, जो वेपर की फॉर्म में एसीटोन है, ये जब कोल्ड वाटर के टच में आएगा तो ये भी कंडेंस होकर ठंडा हो जाएगा. ठंडा होके ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसको यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, यहाँ एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा और इसमें वाटर बच जाएगा. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिजिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं. सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फोर्थ मेथड क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, पहले इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स
ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। वो लिक्विड जो एक दूसरे में ना मिले ना बोले उन्हें हम क्या कहते हैं, इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड्स एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर और पेट्रोल, वाटर केरोसिन, वाटर मस्टर्ड ऑयल, ये सब इमिजिबल है, ये आपस में घुलते नहीं। क्यों नहीं घुलते हैं? बिकॉज दीज लिक्विड्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी डिफरेंस होती है इसलिए आपस में नहीं घुलते। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में वैसे बात कर चुके हैं, फर्स्ट में भी बात की थी। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम मीन्स उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका मास कितना है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका मास जितना जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मास होगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितना मास कम होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक केजी लोहा है, आयरन है, और एक केजी कॉटन है, रुई है, ठीक है। अब अगर दोनों को हम एरिया वाइज इसको देखे तो कौन ज्यादा जगह घेरेगा, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, कॉटन का। दोनों का हमने मास तो सेम कर दिया, 1 केजी 1 केजी मास सेम कर दिया, क्या डिफरेंस हो गया इसका वॉल्यूम। जब नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी किसकी, कॉटन की, जब नीचे की वैल्यू ज्यादा है मीन ऊपर की वैल्यू अगर 2 है, नीचे की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो आंसर कम आएगा, और अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा है नीचे की वैल्यू कम है तो आंसर ज्यादा आएगा। मीन्स आयरन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है और कॉटन की कम है, और जिसकी जितनी कम डेंसिटी होती है वो वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है, और अगर ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर से तो डूब जाता है, ठीक है। अगर वाटर से कम डेंसिटी होगी तो ऊपर रहेगा, ज्यादा होगी तो डूब जाएगा, सेम होगी तो उसमें घुल जाएगा। तो इस तरीके से जो लिक्विड्स हैं इन लिक्विड्स की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसलिए इसके ऊपर तैरते रहते हैं। मान लीजिए अगर वाटर की डेंसिटी कैसी है, वाटर की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, वाटर ऊपर रहेगा और जिस लिक्विड में इसको घोला गया है वो नीचे रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं, इसको हम अलग करते हैं, दीज लिक्विड्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल से हम इसको अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, जैसे ये सेपरेटिंग फनल है और इस सेपरेटिंग फनल में हमने लिक्विड भर लिया है, क्या क्या है इसमें, मान लीजिए ये वाटर है और ये ऊपर मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्योंकि आपस में विजिबल नहीं है तो घुलेंगे नहीं। अब इसमें हमने यहां पे एक स्टॉप वॉच लगा दी, जिससे क्या होगा, इसे स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं। इसको जैसे हम खींचेंगे तो खींचने तो क्या होगा, लिक्विड निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। अब जैसे ही ये जो मस्टर्ड ऑयल है जब इसका लेवल यहां तक आ जाए, मीन्स सारा वाटर निकल जाए और इसका जो लेवल है यहां तक आ जाए, तुरंत हम क्या, हमें क्या करना है, इसको बंद कर देना, इस कॉर्क को बंद कर देना, तो जो ऑयल है इसी में रह जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इनविजिबल लिक्विड्स है उनको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस था वो 25 से 50 के का डिफरेंस था, मींस इसमें 25 केल्विन का अगर डिफरेंस है तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मिसिबल लिक्विड्स भी होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 के से कम होता है, तो इसमें हम उन लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जिनका जो डिफरेंस है वो केवल 10 के है, मतलब केवल 10 केल्विन का ही डिफरेंस है। मान लीजिए जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 22, तो कितना हो गया 22, और यहां पर डिफरेंस कितना चाहिए 50-25 में से, तो 25 मतलब कम से कम 25 का डिफरेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर इथेनॉल और वाटर, मतलब शराब जो बनती है इथेनॉल और वाटर से मिलके बनाते हैं, तो इथेनॉल और जो वाटर है जब ये दोनों आपस में घुले हुए हैं तो इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है ये केवल 22 केल्विन है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कितना डिफरेंस चाहिए, 25 चाहिए, तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है कब, जब जो मिसिबल लिक्विड्स है, दो मिसिबल लिक्विड्स है या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना हो 10 से 20 के, मीन्स केवल 10 केल्विन का ही अगर डिफरेंस हो तो उनको भी अलग किया जा सकता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स having difference of boiling point इतना ही difference हो, उसको हम अलग करने के लिए इस method का use करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द टू और मोर लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 से 20 केल्विन का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो होना चाहिए, उनको हम अलग कर सकते हैं किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। एग्जांपल के लिए जैसे वाटर और इथेनॉल, इसको कैसे अलग करते हैं, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह ही है ये मेथड, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, जैसे इस बर्नर पे क्या किया गया है, इथेनॉल और वाटर के जो सॉल्यूशन है उसको हीट किया जा रहा है, मिक्सर को हीट किया जा रहा है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जो ग्लास बीड्स हैं, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ग्लास बीड्स। तो ये जो लिक्विड्स है ये लिक्विड इससे होकर जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या लगा होगा, यहां पर थर्मामीटर लगा होगा इस तरीके से, ये पूरा बंद होगा और यहां पर ये थर्मामीटर लगा होगा। जब भी इसमें से जो लिक्विड्स है इसमें से निकल के जाएगा तो ये जो जैसे इसका टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बताया था इथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब इसमें हम नापेंगे तो जैसे 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है तो ये कैसा होने लगेगा, ये
इवोपरेट होने लगेगा, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे जो भरा हुआ है इवोपरेट होने लगेगा, और यहाँ पर इसी तरीके से पाइप लगी होगी जिसमें यहां से कोल्ड वाटर जाएगा, यहां से कोल्ड वाटर जाएगा और यहां से जो आउटलेट में जाएगा ये हॉट वाटर हो जाएगा। कैसे जाएगा? जब ये वेपर की फॉर्म में, वेपर की टच में आएगा, जो वेपर है इसमें, इसकी जब टच में आएगा तो जो कोल्ड वाटर था वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ऐसे ही जैसे गर्म चाय को हम ठंडे पानी में रख देते हैं तो पानी भी गर्म हो जाता है, तो उसी तरीके से ठंडा पानी इस पाइप के टच में आएगा जिसमें क्या है इथेनॉल है वेपर की फॉर्म में। तो जब इसके टच में आएगा तो जो वेपर की फॉर्म में जो इथेनॉल है ये वाटर की ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएगा और इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आया थर्मामीटर के, तुरंत ही हमें क्या कर देना है, दूसरे लिक्विड को ये छोड़ देना है, इसको बर्नर को बंद कर देंगे तो एक लिक्विड यहाँ अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा। मान लीजिए दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ द मिक्सर कंटेनिंग टू सॉलिड्स, जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स के मिक्सर को कैसे अलग किया जाएगा? तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली goes into vapor form without changing into liquid state and again change into सॉलिड इज कॉल्ड सबलिमेशन। इस प्रोसेस को हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सबलिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधे सॉलिड में ही चेंज होता है उसी को हम सबलिमेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। इस मेथड से हम किस वाला कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, नमक और अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? जैसे ये चाइना डिश है और चाइना डिश पर सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का इसके ऊपर मिक्सचर रखा हुआ है। जब इसको हीट किया जाएगा तो हीट करने पर क्या होगा, जो इसके ऊपर हमने फ्लास्क रख दिया है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो जब इसको यहां पे कॉटन लगा दिया हमने, जब इसको हीट किया जाएगा तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है जो भी सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्ट जो है, नमक जो है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, जब इसको हीट किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड हीट होके किस में जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। वेपर फॉर्म में जाने के बाद में लिक्विड स्टेट में गए बिना, जैसे क्या होता है, जब सॉलिड होता है तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है टोटली, फिर लिक्विड से तब वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। इसमें क्या है, जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में गए बिना किस में चेंज हो जाता है, वेपर फॉर्म में, और वेपर से डायरेक्टली जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे कोटन लगी हुई है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा हो जाएगा फिर दोबारा सॉलिड के फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, सबलिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे जो घी है, घी सॉलिड फॉर्म है, जब उसको हम किस पर डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं या किसी गर्म बर्तन में रखते हैं, तो वो पहले लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तभी वो वेपर फॉर्म में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अमोनियम क्लोराइड है लिक्विड स्टेट में गए बिना सीधे ही सॉलिड में पहुंच जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सबलिमेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो दो सॉलिड्स है इन सॉलिड्स को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे।
और इसके अलावा हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो यही तक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।